नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन वन वर्सेस वीवो Y21T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में 6.51 इंच जबकि Y21T में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि माइक्रोमैक्स इन वन से कम है। विड्थ की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में 3.03 इंच जबकि Y21T में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि माइक्रोमैक्स इन वन से कम है। बात करें थिकनेस की तो माइक्रोमैक्स इन वन में 0.35 इंच जबकि Y21T में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो माइक्रोमैक्स इन वन में 195 ग्राम जबकि Y21T में 182 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में 6.67 इंचेस जबकि Y21T में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन माइक्रोमैक्स इन वन में 1080x2400 और Y21T में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो माइक्रोमैक्स इन वन में 84.45% जबकि Y21T में 83.76% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो माइक्रोमैक्स इन वन में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y21T में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो माइक्रोमैक्स इन वन में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Y21T की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो माइक्रोमैक्स इन वन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y21T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में माली G52MC2 जबकि Y21T में एड्रीनो 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में मीडियाटेक हीलियो G80 और Y21T में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 मिलता है। बात करें रैम की तो माइक्रोमैक्स इन वन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB/6GB की रैम मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो माइक्रोमैक्स इन वन में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Y21T में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में अप टू 256GB जबकि Y21T में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन वन में एंड्रॉइड V10Q जबकि Y21T में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
माइक्रो मैक्स इन वन में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹9,870, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिलता है। और बात करें Y21T की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹16,490 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रो मैक्स इन वन में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो Y21T की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y21T आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M12 है, दूसरा शाओमी पोको M3 है, तीसरा ओप्पो A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो पोवर 2 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।